नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AVTech में। दोस्तों आज है 23 अगस्त 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की स्ट्रेजिटी बजटी की पहली खबर से। लिखा है ज्वाइनिंग नहीं दी तो भंग होंगी प्रबंध समितियाँ। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2016 में कई विषयों के जो रिजल्ट हैं यानी फाइनल रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। पैनल भी जिलों में पहुंच गया है, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जिनके प्रबंधक अभ्यर्थियों को चक्कर लगवा रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट है सुल्तानपुर ज़िले की और यहाँ के DIOS ने कहा है कि अगर प्रबंधक अभ्यर्थियों को कारोबार ग्रहण नहीं करवाएंगे तो इनकी जो प्रबंध समितियाँ हैं इनको ख़त्म किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर आई, इन्होंने कहा कि 40 विद्यालय अभ्यर्थियों का कुल मिलाकर के यहाँ पर चयन हुआ है सुल्तानपुर ज़िले में, जिसमें से केवल 8 को ही विद्यालयों में ज्वाइनिंग करवाई गई, बाकी सब लोग अभी इधर से उधर टहल रहे हैं, चक्कर लगवा रहे हैं, ये सब प्रबंधक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा एक्शन लेते हुए सुल्तानपुर के DIOS ने ये निर्णय यहाँ पर लिया है। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है, जिसके TV के जरिए पढ़ाई होती है, तो उसका यहाँ पर इस हफ्ते का भी पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं का ये शेड्यूल है 24 तारीख से लेकर के पूरा 26 तारीख का, यानी एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। किस घंटे में किस समय में कौन सा कार्यक्रम आएगा पूरा यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया। इसी तरीके से 9वीं एवं 11वीं का भी दिया गया है। तो आप लोग जो भी हैं 9 से 12 तक के यूपी बोर्ड के छात्र अपना इन कार्यक्रमों को देखें। और मेरी आपसे ये गुजारिश है, जो लोग TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि जो भी लोग TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो अपने विषय से संबंधित आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको TGT PGT में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि TGT PGT में आपका विषय ही आना है। तो आप लोग चाहें तो इस कार्यक्रम को देखें, 9वीं से लेकर के 12वीं तक प्रोग्राम आ रहा है, यही सारा यूपी बोर्ड में भी आता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा इसको आप लोग देखें, यहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं वो टीचिंग करते हैं, इसलिए काफ़ी कुछ बेनिफिट यहाँ से आपको मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों TV से जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसकी निगरानी करने के लिए शिक्षकों की तैनाती की गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है निगरानी करेंगे शिक्षक बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए शिक्षकों की तैनाती की गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर नोडल से जो अधिकारी हैं उनको, प्रबंधकों को नोडल अधिकारी बनाया गया। 10-12 विद्यालय पर नोडल प्रधानाचार्य नामित किए गए, ये बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की पूरी निगरानी करेंगे। इसके अलावा बोर्ड स्तर पर यहाँ पर दे सकते हैं जो सचिव हैं ये भी हर सप्ताह पढ़ाई की समीक्षा करेंगे। लिखा है सचिव दिव्यकांत शुक्ल हर सप्ताह ऑनलाइन पढ़ाई की समीक्षा करेंगे। वर्चुअल स्कूल एवं ई ज्ञान गंगा के माध्यम से छात्र छात्राओं के पठन पाठन की साप्ताहिक रिपोर्ट समस्त मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशक से प्राप्त करना एवं उसका पर्यवेक्षण आदि का दायित्व भी शिक्षा सचिव को सौंपा गया है। अब यहाँ पर ये टाइम टेबल दिया गया, इस टाइम टेबल में आप लोग पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। 9वीं 11वीं का जो प्रोग्राम आएंगे वो स्वयंप्रभा चैनल नंबर 22 पर आएंगे, 11 बजे से 1 बजे तक आएंगे और इसका रिपीट टेलीकास्ट 4:30 से 6:30 के बीच होगा। वहीं पर 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनका DD UP पर आएगा और इसका जो प्रसारण होगा 1 से 2, 2:30 से 3:30, 5:30 से 6:30, इस तरीके से यहाँ पर टाइम टेबल देख लीजिए इस हिसाब से आएगा। और दोस्तों इस बार ये भी अनिवार्य कर दिया गया यूपी बोर्ड में कि 10वीं और 12वीं के बच्चों की प्री बोर्ड एग्जाम भी कराए जाएं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऐसे में बच्चों की गुणवत्ता चेक करना बहुत ज़रूरी है परीक्षा से पहले। तो इस बार प्री बोर्ड को अनिवार्य कर दिया गया, लिखा 31 जनवरी 2021 तक पढ़ाई की जाएगी और इसके बाद फरवरी माह में प्री बोर्ड के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। अब ज़रूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा क्लास चला करके भी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी और इसके बाद हम मार्च से इस बार एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं चयन बोर्ड की, तो TGT PGT 2016 के उन अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है जिनका इंटरव्यू होना है। तो यहाँ पर लिखा है TGT PGT 2016 का इंटरव्यू कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। और यहाँ पर जो इंटरव्यू आप लोग जानते हैं अभी विज्ञान के और अंग्रेजी के इंटरव्यू हो रहे हैं, अब यहाँ पर जो इसका इंटरव्यू है 11 सितंबर को पूरा हो रहा है, उससे पहले बाकी विषयों का इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा।
इसके लिए सिर्फ बोर्ड की बैठक का इंतजार है। बोर्ड की बैठक जल्द से जल्द होगी और जैसे ही बोर्ड की बैठक होती है उसमें इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, समिति पर निर्णय ले लिया जाएगा। कौन कौन से विषयों का इंटरव्यू आएगा इस पर फिलहाल अभी कोई भी यहाँ पर प्रकाश नहीं डाला गया। उम्मीद है कि तीन विषयों का इंटरव्यू कार्यक्रम आ सकता है। ये तीन विषय कौन कौन से हैं इसके बारे में अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू कार्यक्रम आने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। वहीं पर दोस्तों एक और अपडेट है, जो लोग टीजीटी पीजीटी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, लिखा है इसी बैठक में भर्ती के नए विज्ञापन पर भी मुहर लग सकती है। तो दोस्तों जैसे ही बैठक होगी इसमें इस बात पर भी निर्णय हो सकता है कि नया विज्ञापन कब जारी किया जाए। वैसे जारी करने की जो उम्मीद है वो सितंबर में, उम्मीद है सितंबर में इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था उस समय चयन बोर्ड ने ये बताया था कि वेबसाइट तैयार हो रही है, नया विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। तो इस मीटिंग में बहुत कुछ देखने को आप लोगों को मिल सकता है। बात कर लेते हैं राज्य विश्वविद्यालय की। यहाँ पर लिखा है राज्य विश्वविद्यालय से 329 कॉलेजों की संबद्धता होगी खत्म। दोस्तों राज्य विश्वविद्यालय का जो कार्य क्षेत्र है वो अभी है फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद, चार जिलों में इसका कार्य क्षेत्र फैला हुआ है। लेकिन जो अभी UGC की नई गाइडलाइंस आई उन गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि एक विश्वविद्यालय से अधिकतम 300 कॉलेज ही संबद्ध हो सकते हैं और यहाँ पर कुल मिलाकर के 629 कॉलेज संबद्ध हैं। ऐसे में जो 329 एक्स्ट्रा कॉलेज बचे इनकी संबद्धता खत्म की जाएगी और इसके लिए हो सकता है एक नया विश्वविद्यालय भी ओपन किया जाए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय फिर जाएंगे कहाँ ये कॉलेज, और हर कॉलेज में ऑलरेडी 300 से ज़्यादा ही हैं। इसमें से कई ऐसे कॉलेज हैं जो पहले कानपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध थे, प्रतापगढ़ से संबद्ध थे, फैजाबाद से कुछ संबद्ध थे। तो ये यहाँ पर एक विशेष चीज़ लिखी है कि ख़त्म किए जा सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बारे में भी लिखा है कि जो भी राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज वहाँ पर जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ हैं ये 18 सितंबर से करवाए जाने की तैयारी है। इसका डिटेल जो पूरा टाइम टेबल है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और जो सेमेस्टर वाले एग्जाम है, अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम 11 अक्टूबर से कराए जाने की तैयारी है और साथ में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट भी किया जाएगा। इसके लिए स्नातक में 245,469 अभ्यर्थी पात्र हैं, इनको प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष तथा द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा, इनका भी रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। बात कर लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी धांधली मामले की। भ्रष्टाचार मामले में एक जो आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ था, आप लोग जानते हैं 16 अगस्त को इसकी परीक्षा हुई थी, तो यहाँ पर एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया था। सॉल्वर से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि एक कोचिंग संचालक ने उसकी सेटिंग कराई थी। अब कोचिंग संचालक की जब तलाश की गई तो उसका, जिसका नाम आशुतोष नाथ है, इसकी गिरफ्तारी के लिए जब STF जुट गई लेकिन वो कोचिंग और घर में ताला लगाकर फरार हो गया। STF ने उसके बारे में जब पता किया तो उस पता चला कि यह बिहार का रहने वाला, इसलिए अब आगे कोई भी कार्रवाई नहीं बढ़ सकी। STF को जो तीन पुलिसकर्मी वो भी कोरोना पॉजिटिव आ गए, इसलिए रफ्तार थम गई जांच की। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस की इसमें मदद लेंगे, उसके बाद इस कोचिंग संचालक को गिरफ्तार करेंगे। CCC की बात कर लेते हैं। जो लोग CCC करना चाहते हैं उनके लिए आवेदन फार्म स्टार्ट हैं। अक्टूबर में आपकी परीक्षा होगी, 31 अगस्त 2020 तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और इसमें ऑनलाइन ही आपको पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी। यहाँ पर दिया गया है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रशिक्षण 7/9 से प्रारंभ हो चुका है, इस नंबर पर संपर्क करें। तो कुल मिलाकर के CCC आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। हो सकता है आने वाले टाइम पर लेखपाल भर्ती या अन्य कई भर्तियाँ आएँ। CCC आप लोग कर लीजिए, अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म 31 अगस्त तक भरे जाएंगे। ये फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग भर सकते हैं। अंत में बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा के स्कूलों को लेकर के। लिखा है 13 जिलों के अंग्रेजी स्कूलों में हजारों शिक्षकों की तैनाती फंसी। आप लोग जानते होंगे कि बेसिक यानी प्राइमरी जूनियर में हर साल अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का चयन किया जाता है। कुछ ऐसे विद्यालय खोले गए जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर उन्हें शिक्षकों को चयनित किया जाता है जो ऑलरेडी प्राथमिक या जूनियर में पढ़ा रहे हैं यानी टीचर हैं। तो इनका लिखा है कि पूरा कार्यक्रम हो गया है, परीक्षा हो चुकी है, इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन अभी तक इनका जो पदस्थापन है वो नहीं हो पाया है, पदस्थापन इनका अटका हुआ है। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद ने इन जिलों के में शिक्षकों के पदस्थापन का प्रस्ताव शासन को भेजा है और शासन की मोहर लगने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल जैसा अपडेट आएगा आने वाले वीडियोस में आपको शेयर किया जाएगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।